मैं आज यमुनानगर के इस पवित्र भूमि से भूपेंद्र हुड्डा को वो चैलेंज करने के लिए आया। तो 10 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, पूरे प्रदेश को ये बताने का काम कर, एक श्वेत पत्र जारी कर, 10 सालों में कितनी नौकरी हमने हरियाणा के अंदर हरियाणा के युवाओं को देने का काम किया, किस आधार के ऊपर दिया है, ये भी बताने का काम कर। आज मैं ये पूछने के लिए आज आपके माध्यम से उन लोगों के बीच में आया, जो झूठ फैलाने का काम करते, 4-3 महीने के बाद चुनाव मैदान के अंदर है, मात्र 3 महीने है भाई। इन लोगों को तो मात्र मेरे ख्याल से 2001 वोट मिले हैं, एक ही बस्ते के ऊपर बैठ गए, ना इन लोगों के अंदर दम रहा, ना जज्बा के अंदर रहा, परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि भ्रष्टाचारी लोग चंडीगढ़ में नहीं जाएंगे, अगर चंडीगढ़ में कोई जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे।